Center. This is Amit and you are watching Wrestle Alive. तो कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू द रसल अलाइव। और जैसा कि तुमको पता है कि हमारे जो रेटेड और सुपरस्टार एज हैं, उन्होंने स्मैकडाउन पे भी नहीं बताया कि वो किसको चैलेंज करने वाले हैं। ऊपर से केविन ओन्स एंड रोमन रेंस की स्टोरी भी फिर से स्टार्ट हो गई। रोमन रेंस वर्सेस बीस्ट ब्रॉक लेसनर एट रसलमेनिया 38 कन्फर्म ही मान लो तुम। बाकी हमारे जो पार्कर बूडेक्स हैं, उनको साइन कर लिया है WWE ने। और यार तुम लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि डैनियल ब्रायन के साथ ये क्या चल रहा है, कि उनको भाई हमेशा बकरा बनाया जा रहा है स्मैकडाउन के ऊपर। फाइनली कल के रॉ के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी क्लियर हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ भरा है वीडियो के अंदर। बस एक काम करना, साइड में बैठ जाओ और चिपक जाओ वीडियो से। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे एंड तक जरूर देखना। बाकी तुमको साइड में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, देखो मुझे नहीं पता यार लोबलो लगाओ क्या, उसका गांड मारोगे, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स से, जो कि लास्ट वीक के अकॉर्डिंग थोड़ी नीचे आ चुकी है। इस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स थी 2.126 मिलियन व्यूअर्स और लास्ट वीक का था 2.304 मिलियन व्यूअर्स। तो तुम देख सकते हो लास्ट वीक के अकॉर्डिंग काफ़ी लॉस हुआ है स्मैकडाउन को, जो कि हमें यहाँ पे रेटेड और सुपरस्टार एज देखने को मिले थे। और एज के आने के बाद भी रेटिंग्स में मतलब इतना बड़ा गिरावट कह सकते हो, बहुत बुरी बात है मिस्टर मैकमैन के लिए। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है, मतलब एज जाते वो तो ठीक है, लेकिन एज ने यहाँ पे चैलेंज नहीं किया रोमन रेंस को रेसलमेनिया 37 के लिए। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगी स्मैकडाउन के ऊपर। और ऊपर से यहाँ पे केविन ओन्स भी आ गए और अपनी कहानी को कंटिन्यू कर दिया, तो ये चीज़ भी काफ़ी बुरी थी। बाकी ऑडियंस रिटेंशन भी है मेरे पास इस चीज़ को लेकर, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। बाकी यही थी स्मैकडाउन की रेटिंग्स, जो कि इस हफ्ते नीचे आ चुकी है। बाकी मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हमारे ब्रॉक लेसनर के लुक लाइक पार्कर बूडेक्स से। तो जैसा कि मैंने अभी से कुछ टाइम पहले तुमको बताया था कि पार्कर को साइन करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है WWE, और हमें ये NXT के बैक स्टेज भी देखने को मिले थे। तो फाइनली WWE ने मोहर लगा दिया, यानी कि WWE ने साइन कर लिया पार्कर को, और इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है रेसलिंग वाली। तो यार कुछ टाइम बाद हमें पार्कर देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो पार्कर वो बिल्कुल लुक लाइक तो हैं ब्रॉक लेसनर के, लेकिन बस यही देखना है कि यार इतना टैलेंट है कि नहीं पार्कर के अंदर। ब्रॉक लेसनर का टैलेंट तो तुमको काफ़ी अच्छे से पता है कितना डोमिनेटिंग है। बाकी पार्कर के अंदर भी अगर ये चीज़ होती है, WWE अगर हमें दिखाती है बिल्कुल ब्रॉक लेसनर जैसा पार्कर को, तो यार एक बार सोचो अगर आगे चल के इनका मैच होता है तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो मोमेंट हमें देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस पार्कर बूडेक्स का, मज़ा ही आ जाएगा। पर फिलहाल तो इनकी ट्रेनिंग चल रही है और लेट्स सी हमें ये जल्दी देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं चलता हूँ अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है हमारे डैनियल ब्रायन से। तो आप में से काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते थे कि यार क्यों डैनियल ब्रायन के साथ ऐसी चुतियाई चल रही है, मतलब इनको TV स्क्रीन पे फेस तो रखा गया है, मतलब काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इनको बार बार हरवाया क्यों जा रहा है, सुजारो से खास करके क्यों हरवाया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर हमारे जो डैम मेल्टेजर वो ये बताते हैं कि डैनियल ब्रायन ने अभी से कुछ टाइम पहले बताया था हम सभी को कि उनका जो WWE के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि उनका जो WWE के अंदर रोल होने वाला है, वो यार मतलब कभी कदार रेसलिंग करेंगे आप WWE के अंदर। उनका परमानेंटली जो रोल होगा वो फादर का होगा, काफ़ी अच्छे पिता बनना चाहते हैं डैनियल ब्रायन, और इसीलिए डैनियल ब्रायन काफ़ी मतलब सुपरस्टार को पुश देना चाहते हैं। और सुजारो के बारे में तुमको काफ़ी अच्छे से पता है कि उनका रेसलमेनिया में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, लेकिन फाइनली अब उन्होंने शायद रीसाइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर वो जल्दी साइन करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसा कुछ मैटर है सुजारो के साथ। बाकी डैनियल ब्रायन की बात करें तो यार ये काफ़ी अच्छे इंसान है, यहाँ से हमें पता चलता है डैनियल ब्रायन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते कि यार मैं ही काफ़ी आगे चला जाऊँ, वो बाकी सारे सुपरस्टार के बारे में काफ़ी अच्छे से सोचते हैं कि यार बाकी सुपरस्टार्स को भी मौका मिलना चाहिए। और जैसा कि तुम जानते हो डैनियल ब्रायन का करियर कितना ब्राइट रहा है, तो फाइनली अगर थोड़ा मोटा नुकसान भी होता है तो उनको कुछ खास फर्क पड़ता नहीं इस चीज़ से। बाकी ये थे डैनियल ब्रायन की स्टोरी, जो कि तुमको समझ में आ चुकी होगी। बाकी मैं चलता हूँ अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि एक बार फिर से जुड़ी है पार्कर बूडेक्स से। तो जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया कि पार्कर बूडेक्स ने साइन कर लिया WWE कॉन्ट्रैक्ट को, और जल्दी हमें वो रेसलिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे मैट रिडल जो है हमारे, यानी कि रिडल जो है, वो यार ब्रॉक लेसनर से काफ़ी टाइम से मैच चाहते हैं, जो कि ब्रॉक लेसनर तो उनको देंगे नहीं, लेकिन रिडल ने यहाँ पे भाई इनसे मैच करने की एक बार ओपिनियन रखी। मतलब वो यहाँ पे लिखते हैं कि पार्कर जब भी आ जाएगा तो मैं इसी से फाइट करके सोच लूँगा कि फाइनली मैंने ब्रॉक लेसनर से फाइट कर लिया। और यहाँ पे पार्कर ने इस चीज़ को टैग भी किया इनके ट्वीट को। तो कुल मिला के रिडल को यार ब्रॉक लेसनर तो मिले नहीं, लेकिन उनको पार्कर मिल सकते हैं, क्योंकि पार्कर ने टैग भी किया है। तो ये मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। बाकी मैं चलता हूँ अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच से, जो कि ऑलमोस्ट WWE ने प्लान करना शुरू कर दिया है।
हमारे यार जो रेसल वोट्स वाले हैं वो काफी टाइम से कह रहे हैं कि हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 38 में। देखो रेसलमेनिया 37 के लिए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस एच के मैच के लिए टीज किया जा रहा है, तो फाइनली ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 38 में ही देखने को मिलेंगे। और यार मैं जानता हूँ काफ़ी बार हमने ये मैच को देखा है, लेकिन इस बार जो स्टिपुलेशन होगी वो काफ़ी डिफरेंट होगी। मतलब एक बार सोच के देखो, जो रोमन रेंस का हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, क्या ही मतलब मजा आएगा हील कैरेक्टर के साथ देखने में ब्रॉक लेसनर का फाइट। और जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ भी आते हैं और रोमन रेंस के साथ भी आते हैं, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि यार इनका फाइट हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगा। अब हम लोग इतने स्मार्ट लोग हैं कि हम लोग को यार पहले से पता चलने लगता है कि क्या आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यार जैसा कि ये टीज कर रही है WWE, तो रेसलमेनिया 38 में हो सकता हमें इनका मैच देखने को मिल जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यार ब्रॉक लेसनर आएंगे या नहीं आएंगे। अब देखो रेसलमेनिया 37 के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रेसलमेनिया 38 के लिए तुम तैयार हो सकते हो। फाइनली WWE की प्लानिंग तुम जानते हो काफ़ी टाइम से चलती हैं किसी चीज़ के लिए, तो फाइनली टीज करना शुरू कर दिया है। और भाई रेसलमेनिया 38 आ जाएगा तो यार मैच देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी रेसलमेनिया के लिए तुम लोग काफ़ी तैयार रहो। बाकी मैं चलता हूँ अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हमारे रोमन रेंस वर्सेज रेटेड और सुपरस्टार एज से। तो जैसा कि स्मैकडाउन में तुम्हें देखने को मिला था, एज ने वहाँ पे भी चैलेंज नहीं किया, और इस चीज़ को लेकर जो यार ऑडियंस की फुटी है ना, मतलब बहुत ही खतरनाक तुम देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ दो ट्वीट दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो WWE को, तो वहाँ पे तुमको काफ़ी ऐसे भाई मिलेंगे फैंस जो कि इतना गाली दे रहे हैं भाई स्मैकडाउन को कि कुछ कहना ही नहीं। अब होना भी चाहिए यार, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें अलग ही देखने को मिल गई। यहाँ पे रोमन रेंस उल्टा कह रहे थे भाई कि आ मुझे चैलेंज कर, मैं ही मैन इवेंट हूँ। मतलब ये चीज़ मुझे कुछ खास पल्ले पड़ी नहीं, रोमन रेंस का कैरेक्टर काफ़ी बैड चल रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो बंदा हील होता है वो इस चक्कर में होता है कि यार मेरा चैंपियनशिप कहीं चल ना जाए, मतलब मैं इसे हार ना जाऊँ, हमेशा वो डरता रहता है। लेकिन हमारे जो रोमन रेंस है वो ऐसे नहीं है, वो तो यार उल्टा ही कह रहे हैं कि भाई तुझे सिर्फ मुझे ही चैलेंज करना है, सुन ले एज, मतलब तू किसी और को चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा मैंने पहली बार किसी हील को देखा है जो कि सीधा चैलेंज करना चाहता है रॉयल रंबल विनर को, वो खुद ही कह रहा है कि तू मुझे ही चैलेंज कर। तो ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी कह सकते हो बहुत ही अच्छी लगी मुझे रोमन रेंस की तरफ से। लेकिन सबसे बुरी चीज़ मुझे यही लगी कि यार एज ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया रोमन रेंस को, यानी कि वो रोमन रेंस को बिल्कुल भी नहीं कहता कि मैं तुझे चैलेंज कर सकता हूँ। वो तो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, रोमन रेंस की बातें सुन रहे थे, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगी ऑडियंस को, साथ में मुझे भी। मतलब एज को फाइनली चैलेंज कर ही देना चाहिए था। वैसे WWE ने इस चीज़ को बचा के रखा है तो उसका कोई रीज़न होगा जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद यार कर देनी चाहिए थी। और इस तरीके से रोमन रेंस को काफ़ी ऊंचाई दिखाया जा रहा है एज के सामने, क्योंकि यार वो तो सीधा ही कह रहे हैं मुझे ही चैलेंज करना और किसी को तुम चूज़ मत करना। तो यार ये चीज़ काफ़ी मतलब मुझे तो डिसअपॉइंटेड लगती है, बाकी तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है कल के मंडे नाइट रॉ से। तो कल हमें सॉलिड फ्लेयर वर्सेस लेसी एवेंस का मैच देखने को मिलेगा, साथ में रिक फ्लेयर भी होंगे। और अब मुझे मतलब यार इस स्टोरी लाइन के बारे में क्या ही बताऊं, मतलब इसकी जवानी जो फूट रही है भाई रिक फ्लेयर की, ये पता नहीं कहां तक जाएगी, और स्टोरी लाइन में क्या मजा रहा है किसी को, मुझे तो कुछ खास पल्ले नहीं पड़ रहा। बाकी कल देखते हैं क्या होता है। बाकी कल हमें ब्रॉक का रिस्पॉन्स करते दिखेंगे ड्रू मैकइंटायर एंड सेमस का फेस टू फेस होने वाला है। वहाँ पे फाइनली हमें पता चलेगा कि रेसलमेनिया का क्या डायरेक्शन होने वाला है। हो सकता है सेमस को मौका तो मिले, लेकिन वो किसी मैच में बदल जाए, मतलब ड्रू मैकइंटायर से नहीं और किसी गोलेंड मैच हो सकता है, ऐसा कुछ मैच हो जाए। लेकिन यहाँ पे कल हमें ड्रू मैकइंटायर एंड सेमस फेस टू फेस देखने को मिलेंगे, और कल हमें ड्रू मैकइंटायर एक्शन में भी देखने को मिलेंगे। इनका मैच सेट हो चुका है रैंडी ऑर्टन के साथ, अब ये पता नहीं कैवी बार है, लेकिन फाइनली ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी चीज़ें क्या देखने को मिलेगी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस हमें देखने को मिल सकती है, और फाइनली ड्रू यानी कि रैंडी ऑर्टन को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, और इससे रैंडी ऑर्टन भी वीक दिखाई नहीं देंगे और ड्रू मैकइंटायर भी मैच को जीत जाएंगे। तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है रैंडी ऑर्टन भी जीत जाए। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और यार साइड में तुमको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता ब्रॉ किक लगाते हो या फिर सुपर किक, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कल मिलते हैं।